मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैफे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फिगर इज गिवन। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ए एफ ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, and EC, these two line segments trisect the diagonal BD। इस BD diagonal को trisect कर रहे हैं। trisect जैसे word हमारा bisect होता है। bisect means two equal parts में divide करना, tri means three, so three equal parts में divide करना। it means we have to prove that BQ is equal to PQ is equal to DP। ये जो तीन parts हैं ये हमारे equal है। so let us start now। देखिए, फिगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दी। दिस इज पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे जो प्रोसेसर कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्टेप कर रहे हैं ए ई सी एफ, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यही काम करेंगे। अब अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है तो इट मीन्स कि हमारी ई सी और ए एफ ये दो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। फिर जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, फिर हमने ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे बी ए पी। अब बी ए पी ट्राइंगल में हमारे पास ई क्यू क्या है, पैरेलल है। तो ई क्यू पैरेलल है, ई मिड पॉइंट है, तो ई क्यू क्या आ जाएगा हमारा, बी पी का मिड पॉइंट। फिर हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे डी क्यू सी। अब इसमें ये पी एफ क्या है, क्यू सी के पैरेलल, और एफ क्या है, सी डी का मिड पॉइंट। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो पी क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो ये तीन पार्ट्स क्या हो गए हमारे, इक्वल। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमारे पास, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम के लिए क्या है हमारे पास। इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज़ पैरेललोग्राम। या फिर हम बोथ पेयर्स को हम पैरेलल प्रूफ कर दें तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट, और अब तक हम क्या यूज़ करते आ रहे हैं, ज़्यादातर एक पेयर को लेते हैं और उसी पेयर को हम इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब ये पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है, इट मीन्स कि जो पेयर ऑफ अपोजिट है साइड है ए बी और सी डी, ये इक्वल है एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब अगर ये पूरा है तो इनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, और इनका हाफ पैरेलल भी होगा। दिस इम्प्लाइज ए बी के हाफ, जो मेरा इस पैरेललोग्राम में यूज हो रहा है, मैं शेड भी कर देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ए ई, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ए ई इज पैरेलल टू सी एफ। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हम हर जगह लिखते आ रहे हैं, या फिर लिख देते हैं चलो। सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफोर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये हमारा पैरेललोग्राम आ गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है, इट मींस कि हमारी ए एफ और सी ई बी क्या हैं, पैरेलल हैं। ए एफ इज पैरेलल टू सी ई, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि हमारा आगे का पूरा क्वेश्चन इस एक रिजल्ट पर है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा यहाँ पर, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, अब हमने ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, ये वाला बी पी ए या बी ए पी, कैसे भी आप इसका नेम कर दें, बी ए पी। थोड़ा नोटबुक को अगर हम घुमा के देखते हैं तो आपको फिगर वही मिड पॉइंट वाली है। इन दिस ट्राइंगल ई इज द मिड पॉइंट एंड ई क्यू इज पैरेलल, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी
and EQ is parallel to AP. ठीक है, ये कहाँ से आया? From first से, क्योंकि जब ये पूरी की पूरी lines parallel है तो इनके parts भी क्या हो जाएंगे? Parallel हो जाएंगे. So therefore, by converse of midpoint theorem, Q is midpoint of BP. Q is midpoint of BP. That is BQ is equal to PQ. This is second. Now, इन ट्राइंगल, अब हमने कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे? डी सी क्यू, ये हमने डिस्कस किया था. डी सी क्यू, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू. वाई? बिकॉज ए एफ इज पैरेलल टू AC from first. So again by converse of midpoint theorem, by midpoint theorem, P is midpoint of DQ. That is PQ is equal to DP. This is third. मैंने बॉक्स में दोनों रिजल्ट्स को डाल दिया यहाँ पर. सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अब देखिए क्या है हमारे पास. BQ is equal to PQ and PQ is equal to PD. या डी पी. अब जो भी इसको लुके, यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी. ठीक है, हो गया हमारा रिजल्ट. सो लाइन सेगमेंट जो भी हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, सो लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल Trisect the diagonal BD. Hence proved. Okay, now this question is complete. Now come to the next question. Show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of quadrilateral bisect each other. अभी question क्या है? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रही हूँ फिगर ड्रॉ करके. क्या क्या कहता है वो? शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट इट बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगी. अब इसके साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, अब इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया. शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट्स अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, मीन्स कि पी आर एंड एस क्यू, दे बाइसेक्ट ईच अदर. क्या प्रूफ करना है? पी आर एंड एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स कि हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है. तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने ये क्यों ड्रा किया? सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि वी हैव टू प्रूव कि पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम. पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम. और ये पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया हमने. कैसे होगा हमारे पास? हम एक डायगनल ड्रॉ कर लेंगे, देन पी क्यू इज
पैरेलल टू एसी, पीक्यू इज़ हाफ ऑफ एसी, एसआर इज़ पैरेलल टू एसी, एसआर इज़ हाफ ऑफ एसी, वही सब चीज़ें. देन फ्रॉम दिस टू पीक्यू एंड एसआर दे आर इक्वल एंड पैरेलल, सो हेंस इट इज़ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम आ गया. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर. अब पी आर और एस क्यू क्या हैं? दे आर द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये तो डायगनल्स हैं और ये तो प्रॉपर्टी है कि वो बाईसेक्ट करते हैं. तो हो गया क्वेश्चन. ओके, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, हम ये प्रूफ करेंगे पी के वार एस इज पैरेललोग्राम. एंड आफ्टर दैट फिर हम लाइन क्या लिखेंगे, सिंस द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, हेंस पी आर एंड एस क्यू बाईसेक्ट ईच अदर. यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब इस ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, बुक में फिगर हमें गिवन नहीं है. ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल डेट सी. ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है, 90 डिग्री सी पर. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटिन्यूस ए बी. एम जो है वो इस ए बी का हाइपोटिन्यूस का मिड पॉइंट है. अब यहाँ से जो एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, अ लाइन थ्रू एम इज पैरेलल टू बी सी. ये जो एम टी है ये हमें बी सी के पैरेलल गिवन है. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए गिवन में, इन राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है. नाउ व्हाट टू प्रूव दीज फोर पार्ट्स वी हैव टू प्रूव हेयर. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो इस ए सी का मिड पॉइंट है. सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इट मीन्स कि हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. थर्ड पार्ट ए एम सी एम इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, अब अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए एम और सी एम इक्वल हैं और ये हाफ है, तो हम वो कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम ये और ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास उसने क्या कहा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. एम मिड पॉइंट है एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी. ये तो हमें सीधा पता है कि एम डी इसकी पैरेलल भी है, तो हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्स. सो देयरफॉर अब हम इतने क्वेश्चंस में ये इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि एम डी जो है परपेंडिकुलर है इसी पर, इस मीन्स कि मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है. अब देखो एम डी और बी सी क्या है, पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो हमारा ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये ब्लैक पेन में यूज़ करती हूँ, दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, ये क्या होंगे हमारे पास, दे आर को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो हमारे पास 1 क्या आ गया, 90, क्योंकि 2 क्या है, 90. एक तो प्रोसीजर मेथड ये है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, मैं एक और भी नाम दे देती हूँ एंगल को, लेट दिस एंगल इज 3. बिकॉज एम डी एंड बी सी आर पैरेलल, इट मीन्स एंगल 3 एंड एंगल 2 आर इक्वल. वाई, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जब ये पैरेलल लाइंस होती हैं कट करती हैं तो ये एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो 3 एंड 2 आर इक्वल, 2 90 डिग्री है, तो 3 भी क्या हो गया, 90 डिग्री. तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे लिखते हैं. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस डी एम इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. मैं कॉरस्पॉन्डिंग वाला यूज कर रही हूँ, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब
टू तो मेरा 90 है, तो आपका एंगल थ्री कितना आ गया, 90 डिग्री। अब अगर ये 90 है तो इसका मतलब हमारे पास एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा डन हो गया। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए एम एंड सी एम आर इक्वल एंड दे आर हाफ ऑफ ए बी। ए एम तो हमें पता है ए बी का हाफ है, तो मेन चीज़ क्या है, हमें ए एम और सी एम को इक्वल प्रूफ करना है। इनको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम ये प्रूफ करते हैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इफ़ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो ये हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब इसको कॉन्ग्रेंट के लिए देखिए क्या है, डी मिड पॉइंट हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया, सो दिस इज इक्वल। एंगल वन एंड एंगल थ्री दे आर इक्वल 90 डिग्री एंड दिस वन इज कॉमन। नाउ द रूल इज साइड एंगल साइड। सो देखिए थर्ड पार्ट में इन ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास आई हैं, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन 90 डिग्री ईच एंड एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन। नाउ दिस रूल इज साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी एंड इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी डी। अब हमें क्या पता है कि एम मिड पॉइंट है ए बी का, इट मीन्स ए एम क्या है, ए बी की हाफ। ओके, सिंस ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ये गिवन है हमें, दिस इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। Now with this question, this exercise is complete and also this chapter is complete. Khatam ho gaya hamara complete. And then in next video we will start next chapter, that is circles. Thank you and have a nice day.